आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.5। 7.5 में क्वेश्चन नंबर 16 तक हम सॉल्व कर चुके हैं, अब क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20, 21, ठीक है। ये चारों क्वेश्चन क्या करेंगे इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, देखिए 17, कॉस एक्स अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स और 2 माइनस साइन एक्स, ठीक है। इसको क्या करना है, रैशनल फंक्शन में हमको सॉल्व करना है, इंटीग्रेट द रैशनल फंक्शन। तो देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, दे रखा है कॉस एक्स अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स और 2 माइनस साइन एक्स। इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए कुछ बच्चे सॉल्व करते हैं अपने अपने तरीके से, ठीक है, टीचर्स भी बताते हैं अपने अपने तरीके से, लेकिन इस क्वेश्चन को जो मैं बताऊंगा वो भी अपने तरीके से बताऊंगा, है ना। तो चलिए, अगर इससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 17? तो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 17। तो दे रखा है कॉस एक्स, देखिए इस फॉर्म में लिखा है, तो अगर यहां पे इंटीग्रेशन लगाएंगे, यहां पे इंटीग्रेशन लगाएंगे तो एक्स के फॉर्म में है तो यहां पे हम लोग क्या ले लेंगे, डीएक्स ले लेंगे। बात समझ में आई? अगर टी के फॉर्म में होता तो यहां डीटी लेते हैं इंटीग्रेशन के साथ, जेड होता तो डीजेड लेते हैं। तो जो फंक्शन दिया होगा उस फंक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। अब यहां पे क्या करें, दोनों में साइन एक्स है, दोनों में क्या है, साइन एक्स है। अगर साइन को मान लें यहां पे क्या टी, तो साइन का डिफरेंशिएट करेंगे कॉस एक्स डी एक्स के इक्वल आ जाएगा। तो ये कंडीशन हमारे पास समझ में आई है, ठीक है। तो यहां पे पहले क्या करें, मान लेते हैं लेट टी बराबर साइन एक्स। क्वेश्चन इजी हो जाएगा, ध्यान से देखिए, अगर हम मान लेते हैं साइन एक्स या ए अपॉन बी करेंगे तब क्वेश्चन जाएगा लॉन्ग, ऐसे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जब हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कुछ इस तरह आएगा ये डी टी अपॉन डी एक्स, और साइन का जब डिफरेंशिएट करते हैं तो हम जानते हैं साइन का डिफरेंशिएट होता है कॉस एक्स। लेकिन ऊपर बच्चा यहां पे आया क्या, देखो किसके इक्वल होना है, कॉस एक्स डी एक्स के, है ना। ये इक्वल वाला कंडीशन हम आपको पढ़ाए हैं, इससे पहले अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक में दिए गए हैं, वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर के देखें, तब आपको ये चीज समझ में आएगा इक्वल कैसे हम लाते हैं। यहां पे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो डी टी बराबर क्या, कॉस एक्स, और ये डीएक्स नहीं कहला है, कॉस एक्स डीएक्स। तो कॉस एक्स डीएक्स की जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, बोलो डी टी, क्या पुट कर सकते हैं, डी टी पुट कर सकते हैं। और वन माइनस साइन एक्स को क्या माना, टी, और वन सॉरी टू माइनस साइन एक्स को क्या माना, टी। बात समझ आया, साइन एक्स को क्या माना है, टी, तो यहां पे टू माइनस टी हो गया। यहां तक तो आपको बात समझ में आई होगी, उम्मीद है, ठीक है। अगर यहां तक समझ में आ गया तो क्वेश्चन भी अब आपको लगाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों, देखिए यहां पे इसको किस फॉर्म में लिखते हैं, इसको किस फॉर्म में लिखते हैं, मान लेते हैं वन अपॉन इंटीग्रेशन डी टी, अभी मतलब नहीं है, वन अपॉन, जब इंटीग्रेशन लगा भी सकते हैं तो हटा भी सकते हैं, वन माइनस टी, और यहां पे 2 माइनस टी कर लिया यहां पे। बात समझ में, इसको पार्शियल फॉर्म में लिखेंगे, किस फॉर्म में लिखेंगे हम लोग, पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे। तो इसको लिखने का तरीका है a अपॉन में 1 माइनस टी प्लस b अपॉन में 2 माइनस टी, ये तो लिखते चले आ रहे हैं। बात समझ में, सॉल्व करते हैं इसको, 1 अपॉन में 1 माइनस टी और 2 माइनस टी बराबर, इसका मल्टीप्लाई यहां पे करिए तो a हो जाएगा 2 माइनस टी और प्लस b 1 माइनस टी अपॉन 1 माइनस टी और ये 2 माइनस टी। बात समझ में, अगर वीडियो समझ में आ रहा हो तो पहले थम्स अप कर दे वीडियो को, थम्स अप मतलब वीडियो को लाइक कर दें, जिससे क्या हो, हमें मोटिवेट मिले कि अब हम समझाने में सफल हो रहे हैं आपको, ठीक है। 1 इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2a माइनस ए टी, इसका मल्टीप्लाई कराया प्लस बी का मल्टीप्लाई करो, बी वन सा बी माइनस बी टी, ठीक ठीक है, समझ आ रहा है। अब क्या करेंगे हम, और आगे सॉल्व करेंगे इसको, मतलब ए बी का वैल्यू निकालना होता है ना, ए और बी, टू ए प्लस बी एक पास ले जाएंगे, ये वाला फॉर्म एक पास ले जाएंगे, तो टू ए प्लस बी हो गया।
ठीक है, बात समझ। 2a प्लस बी कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे ato माइनस bt, अगर माइनस यहाँ पे बाहर लें और t को दोनों में देखो कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे t लिखें तो ये प्लस ए प्लस बी नहीं हो जाएगा, बोलो ए प्लस बी हो जाएगा कि नहीं, बोलो। अगर t का मल्टीप्लाई कर देंगे तो at माइनस का प्लस माइनस माइनस का bt अपनी कंडीशन में आ जाए। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में तुलना करने पर। जब तुलना कराओगे देखिए, कांस्टेंट टर्म से होगा, अचर पद अचर पद, मतलब यहाँ पे 2a प्लस बी बराबर कितना आ गया, 1। अब क्या x का टर्म दे रखा है, मतलब t का टर्म दे रखा है, तो यहाँ पे क्या हम 0t नहीं लिख सकते हैं, बोलो इसका टर्म क्या रखा है, 0। जब यहाँ किसी का पद दे नहीं रखा होता, किसी का टर्म t नहीं, तो 0t रख लिया, तो a माइनस बी, देखिए माइनस का लिखेंगे तो माइनस का a प्लस बी बराबर किसके आ गया, 0 के, क्योंकि टी टी क्या हो जाएगा, कंपेयर हो जाएगा, तो ए प्लस बी बराबर अगर माइनस से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई। अब यहाँ पे निकालना क्या, ए बी का वैल्यू फाइंड आउट करना होता है हमें, ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करना होता है। इसको एक बना लें इक्वेशन, इसको दो बना लें, उसको समीकरण एक और उसको समीकरण दो। यहाँ पे लिखिए सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। 1 एंड 2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरह बनेगा, 2a प्लस बी बराबर कितना है, 1, और यहाँ पे a प्लस बी बराबर 0। जब सॉल्व करेंगे तो माइनस कर रहे हैं तो माइनस प्लस करेंगे कैंसिल, इसमें माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, a बराबर यहाँ पे 1 माइनस 0 करोगे तो 1 ही तो आएगा, तो a बराबर यहाँ पे निकल आया 1। बात समझ में, a बराबर कितना निकल आया, 1। इसको किस में रख दें, पुट इन इक्वेशन 2, पुट इन इक्वेशन टू, समीकरण दो में रखने पर। जब समीकरण दो में रखोगे तो समीकरण दो आपको क्या दिख रही है बताइए, समीकरण जो दो है यही तो है, a प्लस बी बराबर 0, a प्लस बी बराबर 0, a का मान कितना है 1, तो 1 प्लस बी बराबर 0, ये 1 प्लस का है तो उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो b बराबर कितना निकल आया, बोलो b बराबर जो निकल के आया हमारे पास, माइनस का 1 निकल के आया। इससे आप एग्री हैं कि नहीं, a बराबर 1 और b बराबर माइनस का 1। जब ये वैल्यू निकलता है तो हम रखते हैं कहाँ जा कर के हैं बच्चा, इधर बताएं कहाँ रखते हैं जा कर के, इस वाले फॉर्म में, किस इस वाले फॉर्म में रखते हैं। जब इस वाले फॉर्म में रखेंगे तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन कराएंगे, फिर dt ले लेंगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे एक पेज ले लेते हैं हम, यहाँ पे लिखिए ध्यान से, ये देखिए पेज हम ले लेते हैं, यहाँ पे लिखिए क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, इंटीग्रेशन डीटी अपॉन 1 माइनस टी, और यहाँ पे 2 माइनस टी, ए का वैल्यू रखिए, देखिए डीटी इंटीग्रेशन फिर ले लिया, यहाँ से हटाया था फिर हमने ले लिया, देखिए डीटी इसको हटा भी सकते हैं तो ले भी सकते हैं, क्योंकि फंक्शन टी में है, तो टी लिया, जेड होता तो जेड, एक्स होता तो एक्स। ए का वैल्यू कितना है, बोलो a बराबर निकाला था हमने 1, b बराबर माइनस 1, तो a का वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, तो 1 इंटीग्रेशन लगाया तो यहाँ पे dt के फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि फंक्शन क्या है, t के फॉर्म में। फिर b का वैल्यू कितना है, माइनस 1, b का कितना निकाला, माइनस का 1, ये देखिए b बराबर माइनस का 1। जब b बराबर माइनस 1 लिखा है तो कितना लिखेंगे, बोलो यहाँ पे प्लस का है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का इंटीग्रेशन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन में 2 माइनस टी। आ गया, इतनी बात समझ में आई। अब क्या, जब इतना समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आगे क्या सॉल्व करेंगे, देखिए इसको क्या करते हैं हम लोग, एक चीज ध्यान रखिएगा यहाँ पे, जो हम आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहे हैं, मान लेते हैं इसको टी बराबर माना 1 माइनस टी, टी बराबर क्या माना, 1 माइनस टी, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी टी अपॉन में डी एक्स, इसका 0 लेकिन इसका माइनस 1, लेकिन लाना किसके इक्वल है, यहाँ पे डी टी के लाना है, किसके लाना है, डी टी के लाना है, सॉरी डी टी तो ऑलरेडी यहाँ पे था, सॉरी डी टी यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी था हमारे पास यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं, डी टी है तो डी टी के इक्वल लाएंगे, तो डी टी के इक्वल लाएंगे तो यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे जब डी टी के है तो हमें मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि साइन हम लोगों ने माना था, साइन एक्स बराबर क्या माना था, टी माना था, तो डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन हम करा देंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ही करा देंगे, तो कोई मतलब ही नहीं इसको मानने वाने का। देखिए यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग मॉड टी, अब देखिए यहाँ पे है ये, क्योंकि इसका 0 हो जाएगा, इसका
इसका कितना हो जाएगा बोलो, या डी जेड मान सकते हैं, या अब टी बराबर मान लिए हैं तो अब जेड बराबर मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, जेड बराबर मान लें वन माइनस टी, तो वन इसका जीरो हो जाएगा, इसका माइनस वन हो जाएगा, तो माइनस अपॉन में आ जाएगा, माइनस कहाँ पे आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, तो लॉग मॉड वन माइनस टी अपॉन में माइनस वन। ये समझ में आया माइनस वन कैसे आया, यहाँ पर भी सेम करेंगे, लॉग मॉड टू माइनस टी, क्योंकि यहाँ पे टी माइनस टू लिखा होता तो टी वन टू जीरो, लेकिन यहाँ टू जीरो हो रहा है, ये टी हो रहा है वन, तो वन जब होगा तो यहाँ मतलब माइनस वन, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे माइनस वन, और प्लस क्या हो जाएगा सी, जहाँ सी एक समाकलन नियतांक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लॉग मॉड वन माइनस टी, अब ये माइनस यहाँ पे ले लीजिए, ये माइनस है ले लिया, और माइनस ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो गया लॉग मॉड टू माइनस टी प्लस कितना आ गया सी। ठीक, अब इसको ऐसे भी सुन, इधर वाला पार्ट ले आओ, ये तो ये लॉग टू माइनस टी मॉड में माइनस ये कितना है लॉग वन माइनस टी, और प्लस कितना आ जाएगा सी, ये माइनस का है देखिए। अब ये थ्योरम बन गई, यहाँ पे यूज करेंगे कौन सी थ्योरम, हम जानते हैं कि लॉग एम अपॉन एन क्या होता है, ये होता है लॉग एम माइनस लॉग एन होता है, तो लॉग एम माइनस लॉग एन के फॉर्म में लिखा है, लॉग एम एम की जगह पे ये है, एन की जगह पे है, तो क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, लॉग मॉड लगाया टू माइनस टी एम अपॉन एन वन माइनस टी, और मॉड मॉड बंद कर दिया, प्लस क्या आ गया सी आ गया। अब क्या करेंगे, पुट टी इज इक्वल टू साइन एक्स, देखो यहाँ पे टी बराबर क्या माना था पिछले पेज में, इधर देखो टी बराबर माना साइन एक्स, टी बराबर क्या माना साइन एक्स, अब साइन एक्स यहाँ पे रख दो, देखिए क्वेश्चन क्या हो गया था, ऐसे ही क्वेश्चन हमारे पास इजी हो गया था, लॉग साइन का वैल्यू रखिए, तो टू साइन एक्स अपॉन में वन माइनस साइन एक्स और प्लस सी, जहाँ सी का एक समाकलन नियतांक है, यही इसका आंसर आ जाएगा, लॉग टू माइनस साइन एक्स अपॉन में वन माइनस साइन एक्स प्लस सी। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वन, और दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस टू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को स्किप मत करिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस फोर, यहाँ पे जो कंडीशन बताना है जो पिछले वीडियो से हम बताते चले आ रहे हैं वो चीज़ आपको देना है। देखिए यहाँ पे गलती आप मत कीजिएगा कि अगर उस स्क्वायर ऊपर लिखा हो पावर क्यूब लिखा हो, तो देखिए इंटीग्रेशन जब ये हम लोग पार्शियल फॉर्म वाला सॉल्व करते हैं तो ऊपर स्क्वायर नहीं होना चाहिए ना ही क्यूब होना चाहिए, कंडीशन क्या होता है पी एक्स प्लस क्यू फॉर्म में होता है या ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में होता है। ठीक, लेकिन स्क्वायर या क्यूब या पावर फोर के फॉर्म में नहीं होगा, अगर होगा तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, पावर वन बना लेंगे, क्या बना लेंगे पावर वन, पी एक्स प्लस क्यू फॉर्म में हम बनाते हैं, तो पी एक्स प्लस क्यू फॉर्म में बनाने के लिए देखिए इसको क्या करेंगे, अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन लें तो क्या यहाँ पे डी एक्स नहीं ले सकते हैं बोलो, क्योंकि इसी का इंटीग्रेशन हमको करना होता है, हमें क्या इसी का इंटीग्रेशन करना होता है, तो क्या करें एक्स स्क्वायर जो आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे साइड में चलते हैं, मान लेते हैं टी बराबर एक्स स्क्वायर मान लिया, टी बराबर क्या मान लिया एक्स स्क्वायर मान लिया, तो यहाँ पे रखिए जा करके, जब रखेंगे यहाँ पे तो देखिए सॉल्यूशन में ध्यान से क्या करेंगे, एक्स की जगह पे क्या मानना एक्स स्क्वायर के टी प्लस वन रखा है यहाँ पे, टी प्लस टू रखा है यहाँ पे बोलो, अपॉन टी प्लस थ्री, बात समझ आई, और यहाँ पे टी प्लस फोर, पावर तो वन आ गई, लेकिन क्या ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं बोलो, नहीं सॉल्व कर सकते हैं, क्या करें अगर मल्टीप्लाई अंदर करा दें तो हो सकता है कुछ बात बने आगे, मल्टीप्लाई की इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो टी स्क्वायर, और प्लस का टू टी, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो टी, और टू अंजा कितना हो जाएगा टू, अपॉन इसका मल्टीप्लाई करिए टी स्क्वायर, प्लस कितना है फोर टी, प्लस कितना है थ्री टी, और प्लस कितना है फोर थ्री जा 12, ये तो बेसिक मतलब कैलकुलेशन है, इसको तो आप कर ही लेंगे है ना, यहाँ पे इसको सॉल्व करो तो ये आ गया टी स्क्वायर, दो एक कितना हो गया तीन टी, और प्लस कितना है दो, अपॉन में कितना है टी स्क्वायर, प्लस चार तीन कितना हो जाएगा सेवन टी, और प्लस का कितना है 12।
अब देखो क्वेश्चन आप फिर यहीं पे फंसेंगे आके, फिर पावर यहाँ पे कितना आ गई, दो आ गई। तो यार पावर तो हमारे पास दो नहीं होना चाहिए, ना तीन होना चाहिए, ना चार होना चाहिए, पावर कितने होना चाहिए, वन होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में आप क्लू देखिए यहीं पे निकल आएगा। कहोगे सर आप अपने मन से चल करते जाते हैं क्या, गाइड रखे हैं, हमारे पास गाइड भी हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन तब भी हम जो आपको समझाएंगे वो बहुत बेसिक से समझाएंगे और अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। गाइड वाइड कुछ नहीं, बस आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, सब लगते चले जाएंगे। गाइड के तरीके से आपका माइंड खुद ही चलने लगेगा जिस दिन आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। एक बात बताएं, यहाँ पे 12 बन रहा है, क्या बन रहा है 12, तो यहाँ पे क्या लिख दें, 10 जोड़ने और 10 घटाने पर 10 दो 12 कब होगा, जब यहाँ पे देखिए 12 लाना है हमको, तो 2 ऑलरेडी है। अगर 10 जोड़ दें और 10 घटा दें तो यहाँ पे लिखिए 10 जोड़ने व घटाने पर, तो 10 जोड़ने व घटाने पर, ठीक है। तो क्या कंडीशन बन के आ गई, टी स्क्वायर प्लस 3t और यहाँ पे 2, 10 जोड़ेंगे और ये 10 घटाएंगे। देखिए 10 दो 12 बन जाएगा नीचे की कंडीशन, यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस 7t और प्लस का 12 ऑलरेडी ऐसे रखेंगे, सिर्फ अंश में लिखा है, अंश में यहाँ पे लिखिए, अंश में न्यूमिरेटर में, अंश में 10 जोड़ने और 10 घटाने पर, अंश में न्यूमिरेटर में 10 जोड़ने और 10 घटाने पर, बात समझिएगा यहाँ पर। अब इसको पहले सॉल्व करते हैं, दिख रहा है, अब देखिए पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया टी स्क्वायर, टी 3t है, कितना है प्लस का 3t और 10 दो कितना हो जाएगा 12, यहाँ पे लिखा 12 और माइनस का कितना है 10 अपॉन में टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस कितना है 12। ये बात समझ में आई, दिख रहा होगा, एक सेकेंड, सॉरी नहीं दिखा, अब दिख रहा होगा, ठीक है। क्या आया, टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 12 माइनस का 10 और अपॉन में टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस, हाँ अब यहाँ पे क्लू फिर मिल गया। देखिए हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन डायरेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, हम आपको खुद ही सिखा रहे हैं कि कहाँ से कौन फंक्शन कैसे हम सॉल्व करें। यहाँ पे नीचे कितना दिख रहा है, 7, यहाँ 12 तो मिल गया, कैसे किया, 10 जोड़ने और 10 घटाने पर। अब यहाँ पे 7t लाना है, कितना लाना है 7t, तो 3 ऑलरेडी है और यहाँ पे अंश में ऐसे नहीं लिखे हैं, अंश में न्यूमिरेटर में 4t जोड़ने व घटाने पर, जोड़ने व घटाने पर, एडिंग न्यूमिरेटर 4t एंड एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग न्यूमिरेटर 4t, तो 4t से जब डिवाइड सॉरी जोड़ेंगे तो ये आ गया, देखिए इधर टी स्क्वायर प्लस 3t है, 4t ऐड कराया माइनस 4t सब्ट्रैक्ट कराया, माइनस और प्लस कितना है 12 और माइनस का 10, याद रखिएगा इसमें से नहीं घटाएंगे क्योंकि कंडीशन हमने बनाई थी वहाँ पे, टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस कितना है 12, क्योंकि पावर हटानी है ना यहाँ पे, देखिए अभी हट जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 4 3 कितना होगा 7t और माइनस का कितना है 40 और प्लस का कितना पहले 12 ले आओ, क्योंकि ये कंडीशन देखिए बन गई ऊपर में, और ये माइनस का कितना है 40 और माइनस का कितना है 10, सॉरी ये माइनस का 10 है, ये वाला माइनस का 10। अब क्या करें, अलग अलग पार्ट में लिखें, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस का 12, यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस 7t और प्लस का 12, देखिए कैंसिल हो गया। अब आपको उम्मीद है ये चीज़ समझ में आ रही होगी हम क्या कहना चाह रहे हैं, आ गया समझ में। तो यहाँ पे कितना बचा, बच्चा बोलो, यहाँ पे बच्चा 1 और यहाँ पे माइनस अगर हम बाहर लें तो जब इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट करा दे रहे हैं, जब इंटीग्रेशन कराएंगे तो इंटीग्रेशन 1 और यहाँ पे क्या टी माना है, तो यहाँ पे क्या आएगा dt। अब माइनस यहाँ पे बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन लगाइए, जब माइनस बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4t प्लस 10 अपॉन में टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस कितना आ जाएगा 12। उम्मीद है यहाँ तक आपको तो वीडियो 100% समझ में आया होगा, बोलो आया कि नहीं आया, आ गया ना, तो जब आ गया तो अब आगे हम सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करिए आगे, सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर देखिए ध्यान से, इसका तो 1 हो जाएगा, इस एक 1 का क्या हो जाएगा x हो जाएगा, यहाँ तक तो बात समझ नहीं, लेकिन मेन पार्ट है ये वाला सॉल्व करना, कौन सा पार्ट, ये वाला। तो इसका क्या, नीचे देखिए टी स्क्वायर प्लस है, तो एक लाइन और बढ़ा दें, इंटीग्रेशन 1 और ये dt माइनस यहाँ पे कितना है 4t, यहाँ पर भी dt ले लो, 4t प्लस 10
और ये कितना है डी टी अपॉन, इसका जब फ्रैक्शन कराएंगे तो फ्रैक्शन जानते हो क्या हो जाता है, टी प्लस फोर हो जाएगा। इतना तो आप बेसिक नाइन्थ हाई स्कूल में पढ़े हैं, टी प्लस फोर आएगा और टी प्लस थ्री आएगा जब इसका फ्रैक्शन करेंगे। आप करके देख लीजिएगा, चार तीन बारह हो जाएगा, फोर टी प्लस थ्री टी लिखेंगे तो टी प्लस फोर और टी प्लस थ्री आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका तो इंटीग्रेशन वन हो रहा है, सॉरी वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स माइनस। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर देखिए यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे ले लेते हैं यहाँ पे फोर टी प्लस का टेन अपॉन में टी प्लस फोर और यहाँ पे टी प्लस थ्री। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में जब हम लिखेंगे इसे तो पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, ए अपॉन में टी प्लस फोर और प्लस बी अपॉन में टी प्लस थ्री, यही तो दे रखा है। तो ये आ गया फोर टी प्लस टेन अपॉन टी प्लस फोर और यहाँ पे टी प्लस थ्री, इसका मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा ए टी और प्लस थ्री टी, डायरेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और प्लस कितना हो जाएगा बी टी और प्लस फोर बी अपॉन में एलसीएम यही आ जाएगा टी प्लस थ्री और यहाँ पे टी प्लस फोर, टी प्लस फोर टी प्लस थ्री कैंसिल हो गया। ठीक, यहाँ पे कितना निकला है बोलो, फोर टी प्लस टेन ए टी और यहाँ पे बी टी, तो ए प्लस बी एक पास आ जाएगा, टी क्या है बाहर मिल जाएगा, और ए टी प्लस और यहाँ पे कितना है ए टी और बी टी, यहाँ पे कितना है सॉरी इसका मल्टीप्लाई कराए तो थ्री हो गया, थ्री ए हो जाएगा, बी नहीं, यहाँ पे कितना हो जाएगा थ्री ए। देखिए ए टी और थ्री ए, अब ये थ्री ए और फोर बी, यहाँ पे लिखिए थ्री ए प्लस फोर बी आ गया। अब क्या करें, अच्छे तुलना कराएं, यहाँ पे क्या कराएंगे हम लोग कंपेयर कराएंगे। तो जब कंपेयर कराएंगे तो कंपेयर कराने में क्या किया जाता है बोलो, कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों में तुलना करने पर, तो दोनों पक्षों में तुलना करेंगे। देखिए टी का टर्म्स में टी कराएंगे तो ए प्लस बी बराबर कितना है चार, आया समझ में बोलो। ठीक है, ए प्लस बी बराबर चार और यहाँ पे कितना है थ्री ए प्लस फोर बी बराबर कितना है टेन के, देखिए अचर पद से करा दिए। ठीक, सॉल्व करिए, इसको इक्वेशन वन बनाया, इसको इक्वेशन टू बनाया, लिखिए सॉल्विंग इक्वेशन वन एंड टू, सॉल्विंग इक्वेशन वन एंड टू। यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो एक बात बताओ, यहाँ पे फोर भी लाना है या थ्री का कैंसिल कर लीजिए, तो क्या यहाँ पे फोर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, जब फोर से करेंगे तो कितना आ जाएगा फोर ए और प्लस कितना आ जाएगा फोर बी और चार चौके कितना हो गया सोलह और यहाँ पे थ्री ए प्लस फोर बी बराबर दस आ गया। सॉल्व करिए, सॉल्व मतलब माइनस करिए, कैंसिल हो गया, इसमें से घटाएंगे तो ए बराबर कितना निकला है बोलो, सोलह में से दस घटाएंगे कितना, ए बराबर चार निकला है। किस में रख दें, पुट इन इक्वेशन वन में रखिए या टू में, वैल्यू बराबर ही आएगा। इक्वेशन वन क्या है बोलो, ए प्लस बी बराबर चार दे रखा है, इधर देखिएगा ए प्लस बी बराबर चार दे रखा है, ए का मान कितना है चार, तो चार प्लस बी बराबर चार, तो बी बराबर कितना निकला है, प्लस माइनस कैंसिल, बी बराबर निकल के आया जीरो, बी बराबर कितना निकल के आया जीरो निकल के आया। बात समझ मार है कि नहीं बोलो, कहीं पे मिस्टेक हो रहा है क्या, एक सेकेंड। देखिए बच्चों गलती यहाँ पे हो रही थी, देखिए 16 में से अगर हम 10 घटाएंगे तो 6 आएगा, 16 में से क्या घटाएंगे 10, तो यहाँ पे 4 की जगह पे 6 आएगा। तो अब 6 का मान किस में रखें, इक्वेशन वन में, इक्वेशन वन क्या है ए प्लस बी बराबर चार, ए का मान 6 रखा तो प्लस बी बराबर चार, तो ये 6 प्लस का उधर जाएगा माइनस में, तो 4 माइनस 6 घटाओगे बी बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा, बी बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 2। तो अब ये वैल्यू ए बराबर कितना है 6, बी बराबर माइनस 2, ए बराबर 6 बी बराबर माइनस 2 कहाँ रखेंगे, इस वाले पार्ट में रखेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या करना है हमें यहाँ पे करना है। ठीक, और वहाँ पे आ क्या गया था, जो फंक्शन दे रखा था इंटीग्रेशन करने पे, यहाँ पे आ गया था एक्स माइनस, आया था ना एक्स, अब यहाँ पे क्या रखें ए की जगह पे बोलो, ए की जगह पे 6 रखा तो 6 कॉन्स्टेंट टर्म है और डी टी अपॉन में कितना दे रखा है बोलो टी प्लस 4, पहला क्या है टी प्लस 4 दे रखा है, देखो टी प्लस 4 प्लस बी, बी की जगह पे कितना है 6, अब सॉरी बी की जगह पे माइनस 2 है, बी की जगह पे कितना है माइनस 2, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 2 और यहाँ पे डी टी अपॉन में टी प्लस 3 आ गया, कितना आ गया टी प्लस 3 आ गया। अब क्या करें, x बराबर हम लोगों ने क्या माना था वहाँ पे, x बराबर माना, सॉरी t बराबर माना था एक्स स्क्वायर,
टी बराबर क्या माना था, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे पहले टी का वैल्यू पुट कीजिए, बच्चे गलती यहीं पे करते हैं, लॉग मॉड एक्स लगा देते हैं, वो चीज़ नहीं करना है। तो यहाँ पे टी बराबर पहले जो एक्स स्क्वायर माना था, क्योंकि फंक्शन एक्स के टर्म में लाना है ना, टी के टर्म में नहीं था। हमेशा जो माने चाहे कुछ भी, जो फंक्शन दिया होता है जैसे एक्स के टर्म में दिया है तो आंसर वो एक्स के टर्म में ही लेगा, ना कि टी जेड के। मानने के लिए आप कुछ भी मान लें, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन। अब ये जब एक्स रखोगे तो ये डी टी क्या आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा। डी टी किसमें चेंज हो जाएगा, एक्स, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर रखेंगे प्लस फोर माइनस टू, जब डी टी है, जब एक्स स्क्वायर रखोगे तो डी टी कहाँ पर चला जाएगा, एक्स के फॉर्म में। यहाँ तक बात समझ आएंगे, बोलो क्लियर है। अब क्या करें, यहाँ पे एक्स का तो था ही, वन का एक्स का हो गया था, ये सिक्स है इंटीग्रेशन, सिक्स इंटीग्रेशन। अब माइनस का यहाँ पे है, माइनस देखिए बाहर है, अभी यहाँ पे माइनस 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 अगर बाहर ले लेंगे तो माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस। अभी करेंगे नहीं, एक चीज़ बताएं, यहाँ पे ये जो डी एक्स लिखा है, जब ये एक्स स्क्वायर लिखा है, इसको क्या टू का स्क्वायर नहीं लिख सकते, क्योंकि दो दुना क्या हो जाएगा, चार। क्यों किया, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस ए की कंडीशन बनाना है, टू कॉन्स्टेंट टर्म है। अगर ये डी एक्स है, अगर सपोज दैट आप ये बताएं अंडर रूट थ्री का होल स्क्वायर करें तो क्या सिंपल थ्री नहीं हो जाता है, तो यहाँ पे अगर अंडर रूट थ्री का होल स्क्वायर कर दें तो कोई बात बन जाएगी कि नहीं, बोलो बोलो, बन जाएगी ना। तो अब ये फॉर्मूला बन गया किसका, हम जानते हैं कि डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अगर फॉर्मूला दे रखा है तो ये होता है वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी का फॉर्मूला, होता है ना, वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी का फॉर्मूला। तो यहाँ पे x माइनस वन अपॉन ए सिक्स है, वन अपॉन ए, ए की जगह पे कितना है बोलो टू, और यहाँ पे टेन इनवर्स x, x की जगह पे x ही है, अपॉन में a, a की जगह पे क्या है टू, माइनस टू, इसका भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वन अपॉन a, a की जगह पे अंडर रूट थ्री, टेन इनवर्स x, x की जगह पे x ही है, a की जगह पे अंडर रूट थ्री प्लस सी, जहाँ c एक समाकलन नियतांक है। आई बात समझ में, बोलो क्लियर है, यहाँ तक बात आपको क्लियर है, ठीक है। अब क्या करें, यहाँ पे एक चीज़ और बताएं, अगर यहाँ पे हम माइनस लगा था, एक चीज़ बताएं, यहाँ पे जो माइनस है, यहाँ तो ब्रैकेट के फॉर्म में लगा है, यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट के फॉर्म में लगा है, एक चीज़ देखिएगा यहाँ पे क्या है, अगर ब्रैकेट के फॉर्म में लें, पहले तो यहाँ पे वैल्यू ऐसे पुट कर दिया, सॉरी यहाँ पे पहले वैल्यू पुट ऐसे ही कर दिया, पहले ऐसे कर दिया। अब अगर यहाँ पे ऐसे लिखा था तो यहाँ पे जब माइनस हम बाहर लेंगे, तो जब माइनस बाहर लेंगे तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, प्लस का नहीं हो जाएगा, बोलो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, प्लस। अगर यहाँ पर भी हम ऐसे करें, ब्रैकेट लगाएं, तो माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि जब माइनस बाहर लोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर भी वही कंडीशन हम करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जब कंडीशन वो किया तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लस ही था यहाँ पे, कितना था, प्लस था, ठीक। तो यहाँ पे एक्स माइनस टू थ्री था, तो यहाँ पे अभी ब्रैकेट लगाया तो कितना आ गया, थ्री टेन इनवर्स, कितना है बोलो, थ्री टेन इनवर्स एक्स बाई टू, समझ में आया, थ्री टेन इनवर्स एक्स बाई टू, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करें, जो दे रखा है प्लस टू अपॉन अंडर रूट थ्री टेन इनवर्स एक्स बाई अंडर रूट थ्री और प्लस सी, जहाँ पे सी एक क्या है, समाकलन नियतांक है, जहाँ सी एक क्या है, समाकलन नियतांक है। ये बात फिर से समझा देते हैं, जो माइनस प्लस का आप गड़बड़ करेंगे वहाँ पे, देखिए ये सिंपल ऐसे हमने लिखा था, ये माइनस का सिक्स था, क्योंकि यहाँ पे पहले माइनस ऑलरेडी लगा था, यहाँ पे पहले माइनस ऑलरेडी लगा था, तो जब यहाँ पे माइनस लगा था तो हम ब्रेकेट लगा लेंगे, जब माइनस लगा था यहाँ पे पहले ब्रेकेट पहले लगा था कि नहीं, नहीं लगा था, तो वहाँ ब्रेकेट मतलब फंक्शन था यहाँ पे, तो जब फंक्शन था तो ब्रेकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ब्रेकेट लगा है, और जब ब्रेकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ब्रेकेट खोल दीजिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ब्रेकेट नहीं लगाएंगे, माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे क्या है, प्लस, क्योंकि ब्रेकेट वहीं पे हमने पहले बंद किया था, बाद में ब्रेकेट खोला, तो माइनस माइनस के अंदर गुणा हो गया, प्लस हो गया, तो आंसर आ गया एक्स माइनस थ्री टेन इनवर्स एक्स माइनस थ्री टेन इनवर्स एक्स बाई टू प्लस यहाँ पे टू अपॉन अंडर रूट थ्री टेन इनवर्स एक्स बाई अंडर रूट थ्री और प्लस सी, यही क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्या आ गया, एक्स माइनस थ्री टेन इनवर्स एक्स बाई टू प्लस टू बाई रूट थ्री टेन इनवर्स एक्स बाई रूट थ्री प्लस सी। देखिए थोड़ा
कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, ठीक है, सभी से गलतियां होती हैं। यहाँ ब्रेकेट लगाना था पहले, क्योंकि ये फंक्शन तो सॉल्व हो चुका था, इस फंक्शन पे होगा। तो जब ब्रेकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। अब ब्रेकेट लगाने की यहाँ पे जरूरत नहीं थी, ठीक। तो आंसर ये आ गया, एक्स माइनस थ्री टेन इनवर्स सिक्स बाई टू प्लस टू बाई अंडर रूट थ्री टेन इनवर्स सिक्स बाई अंडर रूट थ्री और प्लस सी, जहाँ सी एक समाकलन नियतांक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी क्वेश्चन नंबर 19 आप सॉल्व करेंगे सेम, क्योंकि एक्स स्क्वायर की जगह पे आप टी मान लेंगे, ठीक है, ऊपर डी एक्स के आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 20 भी जो है आप सेम लगाइएगा, क्वेश्चन नंबर 20, चलिए 20 और 21 हम बता दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20 और 21 आप 19 जरूर सॉल्व करिएगा, और सॉल्व करके आप कमेंट जरूर करिएगा वीडियो में कि सर हाँ मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कह रहा, कह रहा है वन अपॉन एक्स, और यहाँ पे एक्स की पावर 4-1 दे रखा है, दे रखा है ना, क्या दे रखा है, वन अपॉन ब्रैकेट में एक्स की पावर 4-1, ठीक है। अब अगर इंटीग्रेशन यहाँ पे लगाएंगे तो एक्स के फॉर्म में है तो क्या ले लिया, डी एक्स ले लिया, बात समझ में यहाँ तक, ठीक है। अब एक काम करें, यहाँ पे कंडीशन बनाना है हमें, यहाँ पे क्या बनाना है, कंडीशन बनाना है। तो कंडीशन बनाने के लिए देखिए क्वेश्चन में ही क्लू आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ क्लू दे रखा होगा। अब एक बात बताएं, यहाँ पे जो यहाँ पे अगर हमारे पास लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स और ब्रैकेट में एक्स की पावर 4-1, ठीक है, क्या अंशवाहर में अगर यहाँ पे जो फॉर्म लिखा है, अंशवाहर में अगर यहाँ पे हम गुणा करें, लिखिए ऑन मल्टीप्लाइंग, ऑन मल्टीप्लाइंग बाई एक्स की पावर 3 न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर, अंशवाहर में किससे, एक्स की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप कहोगे सर एक्स की पावर 3 से क्या अपने मन से कैसे कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4 और यहाँ पे एक्स की पावर 4-1 और ये डी एक्स। ये बताइए बच्चे आप कि यहाँ पे एक्स की पावर 4 है, यहाँ पे क्या है, एक्स की पावर 4 है, तो आप इसको जब टी मानोगे तो ऊपर क्या आना चाहिए, 3x² आना चाहिए, डिफ्रेंशिएट करने पे क्या आना चाहिए, 3x² आना चाहिए। तो यहाँ पे ऊपर क्या होना चाहिए, सॉरी 3x³ होना चाहिए, 4x(nx)n-1 करोगे तो 4x³, तो x की पावर 3 और dx ऊपर लेना है। तो यहाँ पे क्या करें, जब x पावर 3 आएगा इसका डिफ्रेंशिएट करने पे, तो अंशवाहर में इसीलिए हमने एज्यूम किया कि x की पावर 3 से मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा, 100% होगा, ठीक। अब यहाँ पे मान लेते हैं, देखिए अभी मानेंगे तभी समझ में आ जाएगा। टी बराबर अगर एक्स की पावर 4 मान लेंगे, इसका डिफ्रेंशिएट कराएंगे डी टी अपॉन में डी एक्स, तो 4x³ हो जाएगा, n² n-1 लाना किसके इक्वल है, एक्स की पावर क्यूब डी एक्स, तो डी टी अपॉन में आ जाएगा 4, ये आ गया x³ और ये डी एक्स का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिया। तो देखिए क्या बन नहीं गया, इस किसके इक्वल है, डी टी बाई 4, मतलब 1/4 कॉन्स्टेंट हम बाहर ले लिया, डी टी इसको क्या माना है, पावर टी, और यहाँ पे टी माइनस 1। अब ये 1/4 को ध्यान रखिएगा, यहीं पे हम लोगों प्लस माइनस कभी कभार गलती हो जाती है ना। अब क्या करें, फंक्शन छोड़ देते हैं, सिर्फ क्या करें, 1/4 भी छोड़ देते हैं, सिर्फ 1 अपॉन में सॉल्व किसको करेंगे, टी और टी माइनस 1 को पार्शियल फॉर्म में, तो ए अपॉन में टी और प्लस बी अपॉन में टी माइनस 1, ए अपॉन में टी और प्लस बी अपॉन में टी माइनस 1, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो जब सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन में टी ब्रैकेट में टी माइनस 1, इसको सॉल्व करिए, ए टी माइनस का ए प्लस बी टी अपॉन में टी और टी माइनस का 1, देखिए कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, 1 बराबर ए टी बी टी, तो ए प्लस बी है और यहाँ पे क्या कर लेंगे, टी बाहर ले लिया, और माइनस का क्या है, ए। अब तुलना कराइए, जब तुलना कराएंगे तो कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट टर्म से कराएंगे तो ए बराबर माइनस का 1 आ जाएगा, ए बराबर माइनस ए बराबर 1 है तो माइनस तो जाएगा, ए बराबर माइनस का 1 आ गया। ए प्लस बी किसके इक्वल आएगा, 0, क्योंकि यहाँ पे टी का टर्म्स नहीं दे रखा है, तो किसके इक्वल जाता है, 0, माइनस 1 यहाँ पे हो जाएगा, ए का मान रखिए माइनस 1 प्लस बी बराबर 0, तो बी बराबर ये माइनस का है 1, तो उधर जाएगा प्लस का 1, तो ए बराबर माइनस 1 आ गया, बी बराबर 1 आ गया, बस समझ में। कहाँ रखते हैं, पढ़ते आ रहे हैं ना शुरू से, यहीं पर रखेंगे, जब रखेंगे यहाँ पे तो सॉल्यूशन करने पे कुछ इस तरह क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व होगा। देखिए रखिए यहाँ पे कितना रखेंगे,
क्योंकि उसका इसका तो इंटीग्रेशन ही करना है ना। ये देखिए इंटीग्रेशन 1/4 आप ऐसे उठा लें पहले, यहाँ पे गलती हम लोग कर देते हैं ना, कभी कभार भूल जाते हैं, तो 1/4 पहले उठा लीजिए। और जो इसका इंटीग्रेशन जो निकाल रहे हैं इसका कितना है बोलो, इंटीग्रेशन ब्रेकेट लगा देते हैं, ए का मान कितना है -1, तो -1 और कितना है डी टी अपॉन में कितना है टी, और प्लस बी का वैल्यू कितना है बोलो 1 1, और डी टी अपॉन में 1t-1 आ गया, ठीक। और ब्रेकेट बंद कर दिया, 1/4 ऑलरेडी ऐसे लिखे, ठीक, 1/4 ऑलरेडी ऐसे लिखे, ब्रेकेट अभी लगा देंगे, माइनस बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन dt/t, और प्लस 1 का मल्टीप्लाई dt से कराओगे तो dt अपॉन में t-1 ही रहेगा। यहाँ तक आपको बात समझ में आई, बोलिए यहाँ तक क्लियर है? तो आगे अब हम चलें इंटीग्रेशन करा दें। तो 1/4 इंटीग्रेशन जब कराओगे, ब्रेकेट लगाइए, इसका होता है लॉग मॉड टी, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग मॉड t-1 और प्लस सी, जहाँ सी एक समाकलन नियतांक है। यहाँ पे क्यों? क्योंकि इसको मानोगे जेड बराबर, मान लो जेड बराबर t-1, तो इसका 1 हो जाएगा, इसका 0, तो इसीलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दिया, हमको कोई क्वेश्चन में इंटरफेयर करने की ज़रूरत ही नहीं। अब ये पार्ट इधर ले आइए प्लस वाला, तो लॉग मॉड t-1 और माइनस का ये लिख लीजिए, माइनस लॉग मॉड टी, और ब्रेकेट बंद कीजिए, प्लस क्या आ गया सी आ गया, ठीक। अब क्या करेंगे, टी का मान अब आप रख दीजिए जा करके, क्योंकि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, तो टी का मान जब हम लोग रखेंगे, अभी एक चीज़ और कर सकते हैं यहाँ पे, नहीं कर सकते हैं, कुछ दिख रहा है यहाँ पे, याद आ जाता होगा लॉग m/n की थ्योरम, क्या हो जाता है लॉग m माइनस माइनस लॉग एम माइनस लॉग एन। तो देखिए लॉग एम माइनस एन, यही तो कंडीशन बन रहा है। देखिए हमने उस फॉर्म में माना था पहले, यहाँ पे मान लिया था टी को, तो टी के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। जो चीज़ आप पहले मानेंगे वही कंडीशन में आपके सॉल्व होगा। तो पहले टी मान लिया था यहाँ पे, तो टी वाला पहले आएगा, t-1 बाद में, आप पहले t-1 मान लें, टी बाद में मान लें, दोनों से क्वेश्चन 100% आपका सही हो जाता है, ठीक है। टी और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग मॉड t-1, तो t-1 अपॉन में टी और मॉड बंद कर देंगे, प्लस सी आ जाएगा। बोलो क्लियर है ये? यहाँ तक बात समझ में आई? अब क्या करेंगे, टी का मान रख देंगे, टी का जब मान रखेंगे तो 1/4 लॉग टी का मान रख दो। अब टी बराबर क्या माना था वहाँ पे, एक्स की पावर 4 माना था, इधर देख लीजिए टी बराबर क्या माना गया था, एक्स की पावर 4, टी बराबर क्या माना गया था, एक्स की पावर 4, तो एक्स की पावर 4 माइनस 1 अपॉन में टी की वैल्यू एक्स की पावर 4 और प्लस सी, जहाँ सी एक क्या है, समाकलन नियतांक है। यही क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा 1/4 मॉड में एक्स पावर 4 माइनस 1 अपॉन में एक्स पावर 4 प्लस सी, क्लियर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर लास्ट, ठीक है, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर लास्ट, लास्ट मतलब क्वेश्चन नंबर 21, और ये क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन छोटा ही है लेकिन दिमाग को हिला देता है। मान लेते हैं dx अपॉन में e की पावर x माइनस 1 दे रखा है, ये दे रखा है। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या है, बच्चे गलती कर देते हैं, क्या गलती कर देते हैं, माइनूट सी गलती करते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत छोटा है लेकिन आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, पार्शियल में करें कैसे करें, है ना, तो हमको कुछ नहीं करने की जरूरत। देखिए एक लाइन में क्वेश्चन आ जाएगा, बस थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ पे अगर e की पावर x डिफ्रेंशिएट किया जाए तो e की पावर x आना चाहिए ना। तो अगर ये लिखा है dx अपॉन e की पावर x, अगर बाहर ले लें यहाँ पे, तो यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे e की पावर x, जो चीज़ बाहर लेते हैं अपॉन में आ जाता है। देखिए इसका मल्टीप्लाई जब यहाँ पे करेंगे तो अपनी कंडीशन में क्वेश्चन बन जाएगा। अब ये पावर प्लस है तो ऊपर क्या माइनस नहीं हो जाएगा, बोलो, e की पावर माइनस एक्स और ये dx और यहाँ पे 1 माइनस, ये पावर प्लस की है तो ऊपर जाएगी माइनस एक्स। बोलो लिख दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं, लाना किसके इक्वल है, सिंपल था इंटीग्रेशन dx e की पावर माइनस एक्स dx को। तो यहाँ पे मान लेते हैं लेट t बराबर 1 माइनस e की पावर माइनस एक्स, आप इसका डिफ्रेंशिएट करिए, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया डी टी अपॉन में डी एक्स, ये 0 e की पावर x ही रहता, लेकिन इसका हो जाएगा तो इसका क्या डिफरेंशिएट है, माइनस 1, तो ये आ गया डी टी अपॉन में डी एक्स और ये माइनस माइनस प्लस e की पावर माइनस एक्स, तो डी टी बराबर बोलो कितना निकल आया, इसका मल्टीप्लाई करिए, e की पावर माइनस एक्स डी एक्स, e की पावर माइनस एक्स डी एक्स किसके इक्वल आ गया, बोलो डी टी,
और इसको क्या माना था टी। बच्चा समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो क्लियर है बच्चा? आप बच्चा जब क्लियर यहाँ पे आपको है तो एक चीज़ यहाँ पे हम और सॉल्व करेंगे, बोलो कौन सी चीज़? आपको पता है समाकलन जब हम लोग करते हैं इंटीग्रेशन करने पर, तो जब इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड टी प्लस सी, बोलो बच्चा होता है ना? और टी बराबर क्या माना है अपने, टी बराबर क्या माना है? वन माइनस सी की पावर माइनस एक्स। तो यहाँ पे रखिए लॉग वन माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी, यहीं पर आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन 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 अगर क्वेश्चन आपको और सॉल्व करा रहा हो तो ये ऐसे रखिए आप लॉग, हम जानते हैं वन ये पावर माइनस की है तो नीचे आ जाएगी, ई की पावर एक्स प्लस की हो जाएगी। तो सॉल्व कर लीजिए इसको, लॉग मॉड लगाइए, इसका एलसीएम लेंगे तो ई की पावर एक्स माइनस वन, बोलो ई की पावर एक्स माइनस वन अपॉन में ई की पावर एक्स मॉड बंद कर देंगे प्लस सी, यहाँ पर भी आपका आंसर सही हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पर भी सही है, आंसर आपका यहाँ पर, बस आगे क्या है इसको सॉल्व किया गया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा 100%। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद जय भारत। और वीडियो पे कमेंट जरूर आप करिए कि वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा बुरा लगा, जो भी आपका कमेंट होगा हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।